मीडिया पर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे जगह पहुंच गए हैं जो महाराजगंज जनपद में स्थित। आपको बता दें कि यहां से बिहार और नेपाल थोड़ी ही दूर पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जहां उपस्थित हैं आप हमारे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है दर्जनिया मगरमच्छ संरक्षण केंद्र निचलौन सोहगी वर्मा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज। इसमें तीर का भी निशान है, उस वह तीर यह साबित करता है कि आप आगे जाएंगे तो दर्जनिया ताल मिलेगा। फिलहाल आज हम जिस मुद्दे पे यहाँ आए हुए हैं उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि यहाँ दो तीन नल ऐसा है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ से पानी भरकर अपने घरों में पीने के लिए ले जाते हैं। इस संबंध में हम यहाँ के नागरिकों से भी बात करेंगे और जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इस साइड में जो नल है वहाँ इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, दो चार ठेले के कुछ सामान भी बिक रहे हैं। वहाँ बताने वाले ये भी बताते हैं कि पूरे दिन हजारों की संख्या में लोग आके वहाँ पानी भरते हैं और अपने घर ले जाते हैं। इस संदर्भ में हम यहाँ के कुछ नागरिकों से आज बात करने वाले हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको नल के पास जहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आह्वान कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि इकट्ठा अधिक लोग न हों। इसी संदर्भ में अभी 22 तारीख को आप देखें कि कितना सफल कार्यक्रम रहा, योगी जी ने और मोदी जी ने जो आह्वान किया वो पूर्ण रूप से सफल रहा। जहां तक मेरा मानना है कि 95% लोग पालन किए। फिलहाल हमारा मुद्दा आज है पानी का, यहां पानी क्यों भरा जाता है, क्यों आते हैं यहां लोग पानी भरने, क्या है इसके पीछे राज, आइए हम जानते हैं वहाँ कुछ लोगों से। जैसा कि मैं यहाँ के लोगों से बात करना चाहूँगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है आज, जबकि नरेंद्र दास मोदी और ये हमारे यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों ने आह्वान किया है कि अधिक संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। सर आपका नाम, ये पानी क्यों भर रहा है, आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी कहाँ से है आप? अच्छा, तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अभी पानी काफ़ी स्वच्छ है और घर घरों का नल का पानी दूषित हो गया है और यहाँ पे कई हज़ार लोग कम से कम 20 गांवों से आते हैं पानी भरने के लिए और कुछ काफ़ी कम भीड़ है, इसलिए कि कम भीड़ है कि कोरोना वायरस की वजह से। और हमारे 22 तारीख को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था उसको क्षेत्र की जनता ने 57% उसको सफल बनाई है और इसीलिए भीड़ कम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब लोग डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस रखकर इस माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सफल योजना को सफल बना रहे हैं। तो अभी तो जो कार्यक्रम सफल रहा, फिर कई जिला प्रभावित है। आज ये अभी सुनने में आ रहा है कि एक जिला और बढ़ गया, कल एक जिला बढ़ा जो पीलीभीत 15 से 16 हुआ, आज भी सुनने में आ रहा है कि एक जिला और बढ़ गया है और लोग जागरूक नहीं रहे तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। इस संदर्भ में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इतनी भीड़ में लोग क्यों जा रहे हैं, क्या जागरूक नहीं किया गया है? किया गया है लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा सा पानी भरने के लिए आ रहे हैं और हम लोग जिससे भी मिल रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप लोग सावधानी बरते रखें, सोशल डिस्टेंस रख की ज़रूरत है, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा, नहीं तो काफ़ी ये महामारी घोषित हुआ है और ये काफ़ी लोगों की जान ले सकती है। और प्रत्येक व्यक्ति से यही हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा 24 घंटे इसको देख रेख रहे हैं और आप भी इसको उनके सफल बनाएं। यहाँ के अगल बगल कौन कौन से गांव हैं? बहुआर, भेड़ियारी, बैठवलिया, शीतलापुर, मिश्रौलिया। मतलब अधिकतर लोग कहाँ के ऐसे हैं जो यहाँ पानी? बैठवलिया, मिश्रौलिया और बहुआर के लोग काफ़ी। क्या वजह है इसके पीछे? पानी की काफ़ी शुद्ध है, पानी से काफ़ी बीमारियों को नष्ट हो जाते हैं। पानी दूषित हो गया है नलों का पानी। क्या किसी विभागीय अधिकारी से बात नहीं हुआ उस संदर्भ में? सरकार अपनी योजना चालू कर रही है लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं से ढिलाई बरत रहे हैं कि उसको रिबोर करना चाहिए, लेकिन 30 से 40 फीट होने के कारण सरकारी भी नलों का पानी 30-40 यानी क्यों? पहले सोचा थी गवर्नमेंट का कुछ पहले, अलग डिसीजन है आज, लेकिन 30-40 ही फीट क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो मशीन होती है वो मशीन नहीं आ रही है गाड़ने के लिए, सिर्फ पब्लिक ही उस मजदूरी गाड़ रहे हैं उसको, इसीलिए
काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। आपका परिचय सर, आपका नाम क्या है? हमारा श्याम उदयवान नाम है। कहाँ के रहने वाला है? बैठोड़िया काम। इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ? अभी तो यहाँ बहुत कम भीड़ है, जब कोरोना वायरस नहीं था तो और ज़्यादा। अच्छा, लेकिन आज तो कोरोना वायरस से सब लोग परेशान हैं, महामारी एक तरह से है, तो उसके बावजूद भी, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता से अपील कर रहे हैं कि वह इसमें सहयोग करें, फिर भी यहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि धारा 144 भी महाराज जनपद में लागू कर दिया गया है, इसके तहत 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर धारा 188 की कार्यवाही होगी। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? गांव का पानी खराब होने के कारण, स्कूल का पानी अच्छा है, इसके लिए लोग पानी नहीं पियेंगे तो जिए में कैसे, इसलिए यहाँ पर लगाते हैं पानी। पानी नहीं सही है गांव का, गांव का पानी एकदम खराब है।